Hello dear students, as you know that we are doing the graphical presentation of data, and in this we have done four types of frequency distribution graph: line frequency, histogram, frequency polygon and frequency curve. Today we are going with ogive or cumulative frequency curve. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोगों ने पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा हुआ है सीरीज वाले वीडियो में. जैसे फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 20, 10 सपोज लाइक दिस. तो व्हाट आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव मींस ऐड ऑन. 5 का 5 रहेगा, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 इज 50. सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हेन वी प्लॉट दीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ग्राफ, दैट बिकम्स द ogive. ओके, it is clear to you what is ogive. So ogive or cumulative frequency curve is constructed by representing cumulative frequency distribution on the graph paper. It is constructed in the form of smooth curve. We do not use scale for that. Smoothly we can join the points as we do in the frequency curve. It is of two types, less than ogive and more than ogive. Let us study one by one, less than ogive and more than ogive. Less than ogive, what is less than ogive? Frequencies of all the preceding class intervals are summed up to the frequency of a class. Preceding का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी आगे आगे classes आती जा रही हैं, उसको हम add करते जाएंगे. पहली वाली के साथ दूसरी वाली add करेंगे, दूसरी के साथ तीसरी वाली add करेंगे, तीसरी के साथ चौथी वाली add करेंगे, right? ये सब हम लोग add करते जाते हैं. जैसे मैं आपको बता दूँ, less than हो जाए हो जाता है less than 10, 20, 30. सपोज चलो इसको मैं आगे अच्छे से एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी, वैसे ही हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं. इन लेस देन ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर कैलकुलेटेड स्टार्टिंग विद द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. हम लोग अपर लिमिट को लेकर चलते हैं. जैसे हम लोग लिखते हैं 0 टू 10, 10 टू 20, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, दैट मींस बिलो 10. अपर लिमिट वी टेक अपर लिमिट इन लेस देन, राइट? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर मार्क्ड अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. उसके सामने हम लोग मार्क करते हैं जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. इन मोर देन ओजाइव ओजाइव व्हाट वी डू इज हम लोअर लिमिट के साथ, जैसे 0 टू 10 है तो अबव 0, अबव 10 ऐसे करेंगे हम लोग. अभी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक एक क्वेश्चन करके. तो मोर देन ओजाइव क्या है, उसमें भी यही है जो उसके ना सक्सीडिंग जो है क्लास इंटरवल उनको एड अप करते जाते हैं बाद वालों को. ठीक है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ अभी एक न्यूमेरिकल के. उससे इनको जब हम लिखते हैं तो लोअर क्लास लिमिट के आगे लिखते हैं, मार्क करते हैं अगेंस्ट लोअर क्लास लिमिट. सो लेट अस कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, बिकॉज थ्योरेटिकली इट बिकम समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न हाउ टू मेक इट. फर्स्ट वी टेक द क्वेश्चन. सपोज इट इज अ क्वेश्चन, यूज लेस देन ogive एंड मोर देन ogive कर्व्स ऑन द ग्राफ पेपर. Now you have to make both the ogive curves, less than and more than. So first we convert it into less than cumulative frequency and then in more than cumulative frequency. Suppose in this part I have taken less than method. Less than method, and here I have taken more than method. So what we'll do is, we'll just write income. Income is given to us and number of persons are given, right? These two things are given. But what we have to do is we have to make it cumulative. Number of persons. How we make it cumulative? Abhi less than mein maine aapko bataya ki upper limit ke aage hum log mention karte hain. That means upper limit hum lete hain. To yahan pe upper limit kya hai? 10. Yahan pe 20. To hum isi tarah se le denge. Less than 10. Less then 20, less than 30, less than 40, less than 50. I hope this one is clear to you. कैसे हम लोग अपर लिमिट लिखते हैं और उसके अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं. अब अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, लेस देन 10 इज 5, लेस देन 20, तो ये दोनों हो गए 20 से कम. बोला लोअर लिमिट तो नहीं बताया, 20 से कम मतलब 0 तक. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 15 लेस देन 30, ये तीनों हो जाएंगे. दैट मीन्स 20 प्लस 25 इट इज 45, देन लेस देन 40 इट इज 48 एंड लेस देन 50 इट इज 50. इसको
अगर ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? हाउ टू कन्वर्ट इट मैं एक बार आपको फ्रीक्वेंसी के साथ बता देती हूँ. फ्रीक्वेंसी लिखिए 5, 15, 25, 3 and 2. तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट वन इज सेम, देन वी ऐड 15 टू दिस 20, 20 में 25 ऐड करेंगे 45. हमने इसमें इसे ऐड नहीं करना, नो. जो टोटल निकल के आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जो नेक्स्ट वाली है वो हम ऐड करते जाएंगे, राइट? 48 + 2 = 50. आई होप दिस वन इज क्लियर हाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेस देन मेथड हैव बीन कैलकुलेटेड. नाउ लेट अस कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोर देन मेथड. सो हियर व्हाट वी विल डू इज नंबर ऑफ पर्संस. अब मोर देन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट लिखते हैं. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोर देन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, 0. देन मोर देन 10, this is the lower limit of the next class interval, more than 20, more than 30, more than 40, so like this we'll do. और इसमें हम एक extra लेकर चलते हैं, ध्यान में रहे, more than वाले में हम एक extra लेकर चलते हैं, more than 20, more than 30, more than 40 and more than 50. ये ध्यान में रखना, more than 40 तक तो है, but एक हम extra लेकर चलते हैं more than वाले में, ठीक है? अब number of persons इसमें हम कैसे रखेंगे, more than 0. More than 0 means we will add sum of all the succeeding frequencies. ठीक है, इसमें हम succeeding वाली add करेंगे. इसमें हमने क्या किया, हमने 20 के सामने वाला लिखना था, तो 20 के सामने वाला 15 था, हमने preceding वाला add किया, 20 कर दिया. फिर 25 में इसके preceding वाले दोनों add कर दिए, 25 plus 15 plus 5, then 3 plus 25 plus 15 plus 5. That means preceding मतलब ऊपर वाले हम add करते चलते हैं. पहले हमने ये add किया, फिर ये सारे add किए, फिर ये सब ऐड किए, फिर टोटल कर दिया. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वाले में सक्सीडिंग. सक्सीडिंग का मतलब मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ, 5, 15, 25, 3 and 2. मोर देन 0 सारे ऐड कर लेंगे, मोर देन 10 ये सारे ऐड कर लेंगे, मोर देन 20 दिस, मोर देन 30, मोर देन 40. ठीक है, तो सक्सीडिंग वाली क्लास इंटरवल्स हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोग ऐड करते जाएंगे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं. तो इन सबका टोटल कितना है, टोटल करके मोर देन 0 के आगे आ जाएगा, दैट इज 50. नाउ मोर देन 10, 10 का मतलब ये, इसके आगे की जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसीज हम ऐड करें, 15 + 25 + 3 + 2, दैट मींस 45. मोर देन 20, अब 20 के आगे का सारा, इसके आगे की सारी हम ऐड करेंगे, 25 + 3 + 2, 25 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 30. मोर देन 30 5, मोर देन 40 इज 2, और मोर देन 50 तो कुछ भी नहीं है, तो इट इज 0. तो ये मेथड रहेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखने का, राइट? एक बार और आपको एक बार गाइड कर दूं, इसमें फ्रीक्वेंसीज कैसे होती हैं. जब जो लेस देन वाला होता है उसमें जैसे फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, 5, 10, 15, 20, 10, सपोज ये लिखी हुई हैं, तो लेस देन वाले में हम एक तो यहाँ पे अपर लिमिट लिखते हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. ये तो 5 आ गया, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके ऊपर वाली ऐड करके लिखेंगे, फिर इसके अंदर इसके ऊपर वाली सारी ऐड कर देंगे, वो उसके सामने, फिर ऊपर वाली सारी ऐड करते हैं, मतलब प्रिसीडिंग वाली ऐड करते हैं. अब मोर देन वाली में यही सेम है, 15, 20, 10, हम टोटल ऐड करेंगे, फिर इसके बाद वाली ऊपर वाला छोड़ देंगे, फिर 10 वाला हो जाएगा तो 15 से नीचे वाला, फिर ये हो जाएगा तो उसके नीचे वाला, फिर ये हो जाएगा तो उसके नीचे वाला, सक्सीडिंग वाली. I hope now it is clear to you. When you will do once, it will become very easy for you to understand. So it is 50, right? तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देती हूँ. I'll delete all the extra materials which we do not need for making graph, right? So this is less than method and this is more than method. We are having two methods here. One is less than method and other one is more than method, right? तो अब हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये हो गई, क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत अनहाइजीनिक सा, तो उसको हटा देते हैं क्योंकि अभी उसकी हमें नीड भी नहीं है. अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया, हमें सिर्फ कन्वर्जन ही चाहिए टू मेक और चॉइस, राइट? सो नाउ वी स्टार्ट मेकिंग और चॉइस. वॉट वील डू इट, वील मेक वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस यूजिंग स्केल. माइंडेड आई एम नॉट यूजिंग स्केल बट यू हैव टू. वी टेक फ्रीक्वेंसीज ऑन दी y-axis, number of persons, and it is origin, and 0 बोल सकते हो इसको,
and income on the जो भी class interval है on the x axis, right? Same here for the more than ogive, or jive भी कह सकते हैं इसको, ogive mostly says ogive, right? Same here, number of persons, and here income. Now the plotting will be started. Plotting will be like, our income is going to be 10, 20, 30, 40, 50, and extra 60. Same here, 10, 20, 30, 40, 50. And ये number of persons हमारे कितने हैं, 50 तक हैं, और हम इसको भी ले सकते हैं, 5 भी है तो हम इसको ले सकते हैं, 10 20 करके ले लेते हैं, 10 क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम ज्यादा लेंगे, 20 30 40 50 60, here same 10 20 30 40 50 and 60. Now how do we plot? First, less than 10. Less than 10 means 10 से कम. So less than 10 है हमारा cumulative frequency 5. You can see here 5. Less than 10 is 5. तो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने polygon और curve में इनके middle में देखा था. अभी हमें 0 to 10 नहीं देखना. अभी हमें less than 10 देखना, तो हम 10 के ऊपर 5 plot करेंगे. 5 लगभग होगा कहीं यहाँ. Right? तो यहाँ पे हम point लगाएंगे, उसको circle कर देंगे. It is 5. Then less than 20 is 20. So we'll mark 20 here. और हमें यहाँ पे middle में नहीं करना, हमें सीधे 20 के ऊपर करना है, right? Less than 30 is 45. 45 यहाँ आएगा लगभग 45. Less than 40 is 48. 50 से थोड़ा सा नीचे, पर 40 के ऊपर आएगा. That means is 40 के साथ में आएगा ऊपर. और less than 50 is 50. तो हम 50 के सामने कर देंगे. अब now what we'll do is we'll join these points 5, 20, 45, 48, 50 और इसको हम origin से भी join कर देंगे last one, ठीक है? ये हो गया हमारा less than हो जाए. अब more than हो जाए के लिए क्या करेंगे? More than zero is 50. अब 0 है तो हम 0 पे ही प्लॉट करेंगे. 0 पे प्लॉट करने का मतलब वी प्लॉट ऑन x एक्सिस. पहला पॉइंट हमारा यहीं पे बन, y एक्सिस पे ही पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा. मोर देन 10 इज 45, तो हम 10 के ऊपर क्या करेंगे, 45 मार्क करेंगे. 45 इज समवॉट हियर, दिस इज 50, दिस इज 45, राइट? देन 20 के ऊपर है 30, 20 पे 30 मार्क करेंगे. 30 के ऊपर इज 5, 30 पे इज 5 समवॉट हियर, 40 पे इज 2 समवॉट हियर, 50 पे इज 0. 50 के सामने देखो 0 है ना, दैट मींस 50 पे हम यहीं पे x एक्सिस पे मार्क करेंगे. नाउ वी विल जॉइन दीस पॉइंट्स फ्री हैंडेडली, राइट? फ्री हैंड पर वी विल जॉइन दीस पॉइंट्स, विल राइट 5 2 0. सो दिस इज मोर देन and another thing what we have to write is scale. You can take scale y-axis. You have taken 1 centimeter is equals to 10 persons, and on x-axis you have taken 1 centimeter is equals to 10. It is income in rupees, so rupees 10. ठीक है, अभी कुछ thousands वगैरह given नहीं था question में, तो we have only written rupees 10. So this is how we make the ogives. We can make it in the single diagram also, and we can make it in the different diagrams also. I hope it is very much clear to you all. Please try to understand it, try to make it, solve another questions also. It will be good if you try another questions also, right? If any query is there, your queries are always welcomed. God bless you all.